हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपकी यूपीटी जो 2020 एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग होने वाली है वो किस तारीख से होगी और कितने दिनों तक चलेगी और कब तक होगी। जो आपकी यूपीटी जो 2020 एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग होने वाली है, जैसा कि जब आप यूपीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर रिजल्ट वाले लिंक के नीचे एक लिंक आपको मिलेगा यूपीएसईई काउंसलिंग प्रोसीजर 2020 करके। तो जब आप उसको डाउनलोड करेंगे ना तो एक पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो वो जो पीडीएफ है वो पूरा का पूरा हिंदी में है, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आपकी यूपीटीयू की काउंसलिंग होने वाली है वो कब से होगी, उसका प्रोसेस कैसा होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, जो आपकी यूपीटीयू 2020 एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग होने वाली है ना, वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आज 15 अक्टूबर है तो मतलब 4 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी उम्मीद भी थी कि जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो जल्दी ही होगी। 19 अक्टूबर को 2 बजे के बाद से आप इसके काउंसलिंग के प्रोसेस को करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये चलेगा आपका 5 दिसंबर 2020 तक, मतलब टोटल 1.5 महीने तक चलेगा। आपकी जो काउंसलिंग होगी यूपीटीयू की वो टोटल 1.5 महीने तक होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपके हर एक मतलब सिर्फ एक ही राउंड के लिए होगी, नहीं नहीं, इसमें मतलब पूरा टोटल आ जाएंगे, चारों के चारों राउंड आ जाएंगे। जितने भी आपके राउंड होने वाले हैं, अभी तो मैंने देखा नहीं है, जितने भी राउंड होने वाले हैं पूरे के पूरे राउंड, और अगर आपका स्पॉट ऑन काउंसलिंग होगा तो वो मतलब हर एक मतलब जितने भी काउंसलिंग के प्रोसेस होंगे मतलब टोटल 1.5 महीने में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 19 अक्टूबर 2020 को 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5 दिसंबर 2020 तक चलेगा। इसी के बीच में आपके सभी राउंड हो जाएंगे, सभी प्रोसेस होंगे, उसको आपको करना होगा। तो ये रहा, अभी हम और वीडियो लाएंगे तो इसके लिए आपको सेकंड चैनल पर जाना है, वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको उसको सब्सक्राइब करके रखना है।